हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत अब मिल चुके हैं। बंगाल में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पूरी खबर देखिए सिर्फ एक मिनट में। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने 9 नवंबर को ही अपने तेवर से जाहिर कर दिया था कि ममता बनर्जी के साथ उनका सियासी सफर ज्यादा दिनों का नहीं रहने वाला, और शुक्रवार को इस बात पर मोहर शुभेंदु ने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा देकर लगा दी। बताया जाता है कि पार्टी में ममता ने जब से अपने भतीजे अभिषेक को ज्यादा भाव देना शुरू किया, तब से पार्टी में जनाधार वाले नेता खुद को ठगा हुआ समझने लगे। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से अभी विधायक हैं। बीजेपी शुभेंदु के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार बैठी है। नाराज होकर वो टीएमसी से अलग अभी अपना एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, पर हाँ, यदि वो बीजेपी में आएंगे तो हम लोग विचार कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी इतिहास याद दिलाकर साथ आने का न्योता दे रही है। शुभेंदु की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12 नवंबर की रात को ममता के सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर रात के अंधेरे में मिलने उनके घर गए थे, लेकिन बात नहीं बनी और शुभेंदु ने रास्ता अलग करने का मन बना लिया। देखिए, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी इन दिनों तेज है। इस बीच मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। क्या है पूरा मामला देखिए सिर्फ एक मिनट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर रोज बेहद आक्रामक होती जा रही है। सरकार में पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के अपने पैतृक गाँव में ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दे डाला। वो डिक्टेटर की भूमिका में, मैं जब कहता हूं कि कोरिया के राष्ट्रपति किंग जोंग की भूमिका में ममता बनर्जी हैं, जो अपने विरोधी को की हत्या कराती। ये पहला मामला नहीं है जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधी पर विवादित टिप्पणी की हो। गिरिराज की माने तो पश्चिम बंगाल की बाघिन कही जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह बंगाल में राजकाज चला रही है। गिरिराज ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या करवा रही हैं ममता बनर्जी। आपको बता दें कि बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हाल में ही 2 बार हमला हो चुका है। इसके पहले बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है।